हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से MI 360 होम सिक्योरिटी कैमरा की वीडियोस को, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उनको आप डायरेक्टली अपने पीसी या फिर लैपटॉप में सेव कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, या फिर आप उनको ऑटोमेटिकली सिंक कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में किसी फोल्डर में। जैसे कि आपको पता है कि MI 360 होम सिक्योरिटी कैमरा जो कि बेस्ट कैमरा है, अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको लगाना पड़ता है एक मेमोरी कार्ड, अदरवाइज उसमें जो भी वीडियोस है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। लाइव फीड आपको मिलेगी और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसको जस्ट आपको इंटरनेट होना चाहिए और Xiaomi की Mi Home जो ऐप है उसके थ्रू आप उसको लाइव एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कि वो भी सारे टाइम की रिकॉर्डिंग करता रहे, तो उसके लिए आपको उसमें एक 64GB तक का मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है, वो भी हाई स्पीड वाला। नॉर्मल मेमोरी कार्ड उसमें वर्क नहीं करता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने उसका जो सेटअप होता है MI होम सिक्योरिटी कैमरा का, तो वो कैसे करते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने सेटअप करके कम्प्लीटली दिखाया है। और इस वीडियो में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि आप लैपटॉप और पीसी में उस लाइव वीडियोस को ऑटोमेटिकली कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि सपोज करो कि आपका कैमरा ही कहीं पे खो गया या फिर मेमोरी कार्ड खो गया, तो वो आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वो जो रिकॉर्डिंग है उसको ऑटोमेटिकली अपने नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज, जो कि एक NAS का ऑप्शन है, उसके अंदर उसमें आप सिंक कर सकते हैं। उसमें अपना फोल्डर, उसमें आप अपना लैपटॉप या फिर पीसी में कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और वहां पर वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, और ये जो पूरा ट्यूटोरियल आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना है, क्योंकि अगर कहीं पे भी आपने मिस कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका बात का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या चाहिए। तो नंबर वन, ऑब्वियसली पीसी या लैपटॉप चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पीसी और लैपटॉप है वो भी सेम वाईफाई नेटवर्क पर होना चाहिए, जिसमें आपका MI 360 होम सिक्योरिटी कैमरा है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, वो सिंक नहीं करेगा वीडियोस को। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने लैपटॉप में, और फिर वहाँ पर स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इसका किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो MI 360 होम सिक्योरिटी कैमरा की वीडियोस को ऑटोमेटिकली अपने पीसी या लैपटॉप में सेव करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर सर्च में और करना पड़ेगा एक न्यू यूज़र को ऐड। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड, एडिट और रिमूव अदर यूज़र। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड अ फैमिली मेम्बर कर सकते हैं अगर कोई अकाउंट ऑलरेडी है, या फिर हम ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, इसमें ईमेल वगैरह डालें, तो हमें ये नहीं डालनी है। चाहें तो आप इसको डाल भी सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आई डोंट हैव दी पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप या तो क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ करेंगे ऐड अ यूज़र विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ पर हम यूज़र का नाम रख देंगे, तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैं माई अकाउंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसमें आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड दोबारा यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये लोकल अकाउंट यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ये लोकल अकाउंट। और यहाँ पर क्लिक करेंगे और चेंज अकाउंट टाइप करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है स्टैंडर्ड यूज़र का, इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ से हम कर देंगे इसको एडमिनिस्ट्रेटर और ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। और ओके प्रेस करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अपने पीसी के अंदर जाना है और जहाँ पर भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, जो भी डिस्क जिसमें स्पेस हो वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो जैसे मैं ये वाली ड्राइव ले ली है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और एक नया फोल्डर बनाना है। मेक श्योर कि ये वाली जो है आपकी ड्राइव, ये सी ड्राइव ना हो, क्योंकि अगर सी ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपकी सारी की सारा डेटा ख़राब हो जाएगा, जो भी आपकी वीडियोस हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं MI होम वीडियोज़,
ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया MI Home Videos। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको MI Home Videos। और इसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा देखिए गिव एक्सेस टू, तो यहाँ पर क्लिक करना है और स्पेसिफिक पीपल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एवरीवन, ठीक है, और एवरीवन वन करने के बाद ऐड कर देना है, ये आ गया यहाँ पर। यहाँ पर फिर इसके परमिशन को चेंज करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे रीड एंड राइट, ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर सेव नहीं हो पाएंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे शेयर और यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन करना पड़ेगा अगर आपकी कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप में अगर नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है येस टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी फाइल्स फॉर ऑल पब्लिक शेयरिंग, ओके एंड डन, ओके। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एक बार, फिर हम इसकी परमिशन को चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर शेयरिंग वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखिए एडवांस शेयरिंग और यहाँ पे देखिए परमिशंस और यहाँ पर देखिए फुल कंट्रोल एवरीवन पे हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फुल कंट्रोल पे अलाउ चेक ये होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और ओके कर देंगे और ओके और फिर ओके, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको फिर सर्च में आना है, टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ लिखना है, तो आपको ये आ जाएगा टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ। इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ से आपको इस बार को ड्रैग करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए SMB 1.0 CISF फाइल शेयरिंग सपोर्ट, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लेगा और ये देखिए अप्लाइंग चेंजेस हो गया और उसके बाद आपको रीस्टार्ट कर देना है कंप्यूटर को। MI Home की ऐप को हम लॉन्च कर लेते हैं। इसके बाद देखिए कॉर्नर में हमें जाना है, टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर थ्री डॉट्स दिखाई देंगे, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको मिलेगा ये मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन जो ऊपर से थर्ड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए नीचे आपको मिलेगा NAS नेटवर्क स्टोरेज, तो इस पर आपको क्लिक करना है और ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ये आपका पीसी या लैपटॉप यहाँ पर शो कर देगा जो भी उसका नाम होगा, उस पर क्लिक करना है आपको और फिर यहाँ पर जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट लोकल अकाउंट, वो हम यहाँ पर यूज़र नेम और उसका पासवर्ड हम इसमें इनपुट कर देंगे जहाँ पर भी हमने अपने पीसी या लैपटॉप में जो भी बनाया था, क्योंकि वहीं पर ये सेव होगी जो भी हमने फोल्डर बनाया था। उसके बाद आपको डन कर देना है और यहाँ पर देखिए सारे फोल्डर उन्होंने शो कर दिए। सबसे नीचे आपको फोल्डर मिल जाएगा जो हमने क्रिएट किया था MI Home Videos, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और इसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ट्रांसमिशन एरर दिखाई दे, यहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो लेंथ की सेटिंग को सेट कर सकते हैं कि आप कितने मंथ्स की रिकॉर्डिंग को रखना चाहते हैं। उसके बाद ये ओवरराइट करता रहेगा वीडियोज़ को, तो नॉर्मली 3 मंथ्स या 1 मंथ आप रख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन अपलोड यहाँ पे आप लाइव कर सकते हैं तो लाइव रिकॉर्डिंग सेव होती रहेगी, या आप चाहते हैं कि 1 आवर के बाद वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव हो तो वो कर सकते हैं, या फिर 1 डे आप चूज़ कर सकते हैं कि 1 दिन के बाद वो रिकॉर्डिंग इसमें सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी चूज़ कर सकते हैं, मैं लाइव कर लेता हूँ अभी इसमें और ओके कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको हो सकता है ट्रांसमिशन एरर दिखाई दे, तो उसके लिए आप इसको एक बार डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, इसी चीज़ को दोबारा सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यह अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, आप चेक कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के फोल्डर में वहाँ है या नहीं। देखिए उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांसमिशन, इसका मतलब कि ये अब सेव करने के लिए तैयार है, यानी कि जो भी वीडियोज़ हैं वो सिंक करने के लिए तैयार है आपके पीसी या लैपटॉप में। तो इस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हैं और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार इसको आप डिलीट करके डिलीट दिस नेटवर्क स्टोरेज को और इसको फिर आप यही प्रोसेस एक बार दोबारा कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैंने दोबारा की तो फिर ये सही काम करने लग गए। अगर आपकी वीडियोस सेव नहीं हो रही हैं तो आपको एक सेटिंग और चेंज करनी होगी, तो उसके लिए आप पीसी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स,
इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आएंगे, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली हो गया था जब हमने किया था। टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, और उसके बाद है ऑल नेटवर्क, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टर्न ऑन पासवर्ड एंड प्रोटेक्ट शेयरिंग, और ये अनेबल होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एक यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, व्हेन पब्लिक फोल्डर शेयरिंग इज़ ऑन, पीपल ऑन द नेटवर्क इंक्लूडिंग होम ग्रुप मेंबर्स कैन एक्सेस फाइल्स इन पब्लिक फोल्डर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है टर्न ऑन शेयरिंग, सो एनी वन विद नेटवर्क एक्सेस कैन रीड द राइट फाइल्स इन पब्लिक फोल्डर, ऑलराइट। तो इसको क्लिक कर देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे, और सेव चेंजेस करने के बाद अब आपकी जो है फाइल प्रोबेबली सिंक होनी शुरू हो गई होगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोस हमारी आ गई हैं। लेट मी शो यू, ये फोल्डर बन गए हैं, इसके अंदर ये वीडियोस आ गई हैं, देखिए इसके अंदर भी ये आ गई हैं, और ये धीरे धीरे सिंक हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। आप चाहें तो इसको जैसे डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा प्ले हो रही है, ये हमारी वीडियोज़ हैं जो इसमें रिकॉर्ड की थी, तो ये सारी सिंक हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आपके यहाँ पर फोल्डर इसके अंदर बनते जाएंगे और सारी जो है रिकॉर्डिंग वो सेव हो जाएगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं। आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिखें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है या भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।